बिरयानी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में आ जाता है पानी, और लोग सोचते हैं कि बिरयानी सिर्फ नॉनवेज की ही बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिरयानी तो हम वेज भी बना सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हम डाल के वेज बिरयानी बना सकते हैं। और ये बिरयानी एक मैंने बनाई है स्पेशल भोज मसाले की, बिरयानी मसाले के साथ में, जिसका फ्लेवर इस बिरयानी में अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं हम इस भोज मसाले के साथ में बिरयानी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीज किचन में, और वीडियो के एंड तक आप सभी बने रहे तभी आपको पता चलेगा इस रेसिपी के बारे में। तो मैंने यहाँ पे अब ली हैं कुछ सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी ले लिए, उसके मैंने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। दो गाजर को ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं, और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे फ्रेंच बीन ले लिया है। 5 से 6 मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज को मैंने यहाँ पे रफली कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। 6 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, उसको मैंने बीच से कट कर लिया है लंबा लंबा, और मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, अदरक की मैंने पतली स्लाइस कर ली है। मैंने यहाँ पे ये राइस ले लिया है, आप यहाँ पे बासमती राइस या कोई भी राइस ले सकते हैं। तो राइस को मैंने पहले अच्छे से वॉश करके 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, और मटर ले लिया है मैंने। तो अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और सबसे पहले मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ऐसे भून लेना है, और जब तक इसका कलर एकदम सा चेंज ना हो जाए। हम लोग या डीप फ्राई कर लेते हैं या फिर इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो इसका कलर एकदम हमें एकदम ब्राउन चाहिए, और बहुत ज़्यादा ही ब्राउन चाहिए होता है, जिससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है इस भुने हुए प्याज से। तो इसे हमें अब भूनने देना है मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे एक हांडी ले ली है, और उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है, थोड़े ही खड़े मसाले का यूज़ किया है। 2 हरी मिर्च, कुछ स्लाइस डाल देंगे जिंजर की, और थोड़ा सा इसमें नमक, और इस पानी में एक अच्छी बॉयल आ जाने देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो अब मैं सब्जियों को कर लेते हैं मैरिनेट। तो सारी सब्जियां हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे। वेज बिरयानी बनाने के लिए आप अपनी मनपसंद सब्जी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फूल गोभी, गाजर और फ्रेंच बीन का यूज़ किया है। और इस बिरयानी में हम यूज़ करेंगे ये मसाला, भोज मसाले का बिरयानी मसाला। तो इसको रखते हैं हम साइड में। कुछ और मसाले हम डाल देते हैं। तो उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर, और अब डालेंगे ये भोज मसाले का बिरयानी मसाला। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं इस भोज मसाले की पैकिंग भी बहुत ही अच्छी है, ये मसाला ख़राब भी नहीं होगा, इसे अच्छे से पैक करके आप रख सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे भोज मसाला बिरयानी 2 टीस्पून, और इसे इस तरह से टाइट बंद करके रख देंगे, और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार, और कुछ डाल देंगे इसमें मिंट लीफ क्रश करके, थोड़ी सी जिंजर डालेंगे स्लाइसेस, और थोड़े से हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, और 1/2 बाउल इसमें डाल देंगे दही, ये नॉर्मल दही है, और इसे हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैं यहाँ पे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट नहीं डाल ली हूँ, वो मैं बाद में डालूँगी। तो मैंने इसको अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिया है, और इसे हमें मैरिनेट होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने पानी रखा था राइस के लिए, तो पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। जो मसाले मैंने खड़े डाले थे उनको हम छन्नी से निकाल देंगे।
और अब इसमें डाल देंगे राइस जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, और अब इसमें डाल देंगे हाफ नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डालते हैं कि चावल चिपके नहीं, इससे चावल एकदम खिला खिला रहता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अच्छी सी बॉईल आ जाने देंगे। तब तक देख लेते हैं प्याज। तो आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से ये भुन गया, यानी गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हैं मुझे इतना ही प्याज को गोल्डन ब्राउन करना था, बिरयानी के लिए इतना ही किया जाता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर में, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पर रह जाएगा। गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने प्याज को निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से हो गया है ये, थोड़ी देर एकदम क्रंच टाइप से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चावल भी बॉईल हो गया है, अच्छा सा बॉईल आ गया है। और चावल को हम हाफ ही कुक करेंगे, उसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल को एक छन्नी में निकाल लिया है, जो इसका पानी है वो छन गया है, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये चावल जो है हाफ कुक हुआ है, मैंने प्रॉपर कुक नहीं किया है। अब मैंने उसी कढ़ाई का यूज़ किया है, ऑयल भी वही है जिसमें मैंने प्याज को भुना था। तो कुछ खड़े मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे, और ये सब्जी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी वो डाल देंगे इसी में, और इसे हमें चला देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो सब्जी को हमें प्रॉपर कुक नहीं करना है, सब्जी को हाफ कुक करना, यानी सब्जी का जो क्रंच है वो बना रहे, क्योंकि बिरयानी में दम लगाया जाता है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के ऊपर से हम डालेंगे भुना हुआ प्याज, क्योंकि प्याज को मैंने पहले नहीं ऐड किया, क्योंकि वो पहले से ही अच्छे से ब्राउन था, यानी भुना हुआ था। तो इसमें हम ऐड कर देंगे आधा भुना हुआ जो प्याज है, और आधा मैं रख लूँगी बिरयानी का जब दम लगाएंगे उसके लिए। तो प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सब्जियाँ अपना पानी छोड़ चुकी हैं, क्योंकि सब्जियों को मैंने दही में मैरिनेट करके रखा था, तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ दी हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरी मटर हाफ बाउल। तो मैंने मटर यहाँ पे बाद में ऐड किया है, क्योंकि हमें सब्जियों को प्रॉपर कुक नहीं करना है, इसलिए मैंने मटर बाद में डाला है। तो चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जियाँ हाफ कुक हो गई हैं, इसे अच्छे से हम फिर से चला देंगे। इस सब्जी को हमें पूरा सूखा नहीं करना है, इसमें हल्की सी हमें ग्रेवी रखनी है। तो अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं, और सब्जियां हमारी हाफ कुक है, और सब्जियों का क्रंच भी है अच्छा। तो मैंने वही हांडी ले ली है जिसमें मैंने राइस को बॉईल किया था, और अब इसमें हम थोड़ी तली में सब्जियां डाल देंगे, क्योंकि मुझे इसे लेयर बाय लेयर करना है। और अब इस पर हम राइस डाल देंगे। राइस अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। तो इसकी हम 3 लेयर लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर से फिर हम ये सब्जी डाल देंगे, इसके ऊपर फिर से राइस डाल देंगे, और अब इस पर हम डाल देंगे प्याज भुना हुआ, और थोड़ी सी मिर्च, और थोड़ी सी अदरक की स्लाइसेस, और थोड़ी सी धनिया, और इसके ऊपर से हम फिर से लेयर एक डालेंगे। तो सारी सब्जी हम फिर से इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर से हम इस पे राइस डाल देंगे। तो मैंने इस तरीके से 3 लेयर की है।
और अब इसमें हम डालेंगे केसर वाला पानी। मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था, आप चाहे तो दूध में भी भिगो सकते हैं केसर को। और अब इस पर डाल देंगे देसी घी, ऊपर से देसी घी डाला है मैंने यहाँ पे। और इस बिरयानी में आप केवड़ा भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो, मैंने यहाँ पे केवड़ा का यूज़ नहीं किया है। और फिर से इस पर डाल देंगे प्याज और अदरक की स्लाइसेस, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से 3 से 4 लेयर कर दी हैं। और इसको हम कवर कर देंगे और अब लगाएंगे हम इस पे दम। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है, तो आटे को लंबा कर लिया है और चारों तरफ से इसको हम इस तरीके से आटे से दम लगा देंगे, यानी कवर कर देंगे जिससे इसकी भाप बाहर ना निकले। और अब मैंने यहाँ पे एक तवा गरम किया है अच्छे से, उसके ऊपर इसको रख दिया है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा एकदम सूख गया है, यानी बहुत ही अच्छे से इसमें दम लग चुका है। तो आटे को हम अब निकाल लेंगे, इस तरीके से सारे आटे को निकाल देंगे, क्योंकि आटा आप देख सकते हैं ना बहुत अच्छे से सूख गया है, तो यानी बहुत ही अच्छे से इसमें दम लगा हुआ है। तो आप इसे खोल के देखते हैं, देखने से ही कितनी लाजवाब लग रही है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो देखिए राइस जो है बिरयानी का एकदम खिला खिला है, और जो सब्जियां हैं वो भी एकदम अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा वो नहीं हुई हैं, यानी जैसे बिरयानी में होनी चाहिए उसी तरीके से वेजीज भी हैं इसकी। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। तो आप देख सकते हैं इस बिरयानी का जो कलर है कितना ही अच्छा आया है, और एकदम जो राइस हैं, जो सब्जियां हैं वो कितनी अच्छी दिख रही हैं इस बिरयानी में, और जो इसका राइस है एकदम खिला खिला है। तो इसे हम हरी मिर्च और धनिया से गार्निश कर देते हैं, और इसे आप दही के साथ में सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से कमेंट एंड सब्सक्राइब, और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप सभी को जल्दी से जल्दी मिले।